हेलो दोस्तों, आज हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसका नाम है हैंड क्रिकेट। तो हमें इसमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें इसमें एक यूजर से इनपुट लेना है और कंप्यूटर से एक रैंडम नंबर जनरेट कराना है। अगर दोनों नंबर इक्वल हो जाते हैं तो हम आउट डिक्लेयर कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो रन हम प्लस प्लस करते जाएंगे, तो मतलब रन बढ़ाते जाएंगे। और उसके बाद हम रिजल्ट में चेक करेंगे, अगर यूजर के रन ज्यादा होंगे तो हम उसको जीता हुआ डिक्लेयर कर देंगे, वरना कंप्यूटर को जीता हुआ डिक्लेयर कर देंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम दोनों के रन को इक्वल कर देंगे। इसके अलावा हमें कुछ एक्सेप्शन को हैंडल करना है, जैसे कि अगर यूजर 6 से ज्यादा या फिर 1 से कम इनपुट देता है तो हम बोल देंगे इनवैलिड इनपुट। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा हैंड क्रिकेट गेम होता है उसमें बेसिकली 1 से लेके 6 तक के हम इनपुट लेते हैं या फिर नंबर शो करते हैं। अगर दोनों के नंबर इक्वल हो जाते हैं तो हम उसको आउट बोल देते हैं, अगर इक्वल नहीं होते हैं तो हम रन को इंक्रीज करते जाते हैं। और अगर यूजर नॉन इंटीजर वैल्यू भी इनपुट करता है तब भी हम एरर थ्रो करेंगे कि एंटर इंटीजर वैल्यू। तो चलिए अब हम सबसे पहले एक इसका सूडो कोड देख लेते हैं, और उसके बाद ये प्रोजेक्ट आप बनाएंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने इस प्रोजेक्ट को कैसे सॉल्व किया है। जिसका प्रोजेक्ट सबसे अच्छा होगा मैं उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में डिक्लेयर करूंगा और उसे हार्ड दूंगा।